अल्ताफ़ हुसैन साहब के अगर हम क्राइम की बात करें तो वो एग्जैक्टली किस चीज़ की तोहमत उन पर लगाई जाती है? कराची में जो पूरी बंद लाशें मिला करती थी, जो एक मैस लेवल पे लोग अगवा होते थे और रैंसम दे के आते थे, और जो हुकूमत खानों में रहते थे, इसी को तो जवाब देना है कि वो कौन उनको रन करता था। इंडिया तो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर आके, कराची जैसे शहर के अंदर आके इतने बड़े मैस लेवल पे वो ऑपरेशन कर सका था। जो पार्टी वहाँ कंट्रोल में थी, जो होल्ड में थी, मतलब अल्ताफ़ साहब लंदन से कहते थे कराची बंद, दो घंटे में कराची बंद हो जाता था। He had organized it so very well कि 2013 में he would address कराची और वो सामने राबता कमेटी उनकी, dozen of MNAs who would be federal ministers in the federal government and half of them would be provincial ministers in the provincial government would be sitting on the floor listening to his address. एक organization थी जो parallel to the government थी, वो पूरी MKM की अपनी एक hierarchy थी पूरे कराची के अंदर।